Good morning everyone. Now today we will discuss about new topic, that is the improved nutritional qualities, that is the biofortification. Us process ko bolte hain biofortification. In earlier period already learned about the previous topic, that is the transgenic plant and advantages of genetically modified food plant. हमने ये देखा है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्लांट क्या है, इसमें मॉडिफिकेशन कौन से होते हैं, ये हमने देखा है. उसका एक वेल नोन एग्जाम्पल लिया था हमने बैसिलस थुरिंजिनेसिस, दैट इज द बीटी कॉटन. बराबर है, बी स्टैंड फॉर बैसिलस एंड टी स्टैंड फॉर थुरिंजिनेसिस, दैट इज बैसिलस थुरिंजिनेसिस और बीटी कॉटन इज वाइडली यूज फॉर द टू प्रोटेक्ट क्रॉप प्लांट फ्रॉम द इंसेक्ट्स. इंसेक्ट से हम क्रॉप प्लांट को किस तरह इंप्रूव करते हैं विद हेल्प ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, ये हमने लास्ट पीरियड में देखा है. अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इंप्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटीज. अब हमें क्या करना है, ड्यू टू इंक्रीज इन क्वांटिटी और ड्यू टू डे बाय डे इंडिया में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है. पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फूड की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, और फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो वहां पे एग्रीकल्चर फील्ड में जो भी फूड क्रॉप प्लांट हम लगाते हैं उसकी क्वांटिटी भी, मतलब प्रोडक्टिविटी भी बढ़नी चाहिए. बराबर है, विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर टेक्निक, एक पर्टिकुलर टेक्निक से उनकी क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो फूड डिमांड जो है वो हम फुलफिल करेंगे अपने कंट्री की. तो यहाँ पे बायोफोर्टिफिकेशन मतलब क्या होता है, बायोफोर्टिफिकेशन इज नथिंग बट द ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप प्लांट हायर लेवल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, हायर प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट फैट्स, हेल्दियर फैट इज कॉल्ड बायोफोर्टिफिकेशन. अब बायोफोर्टिफिकेशन का मीनिंग क्या है ये हम देखेंगे. बायोफोर्टिफिकेशन मतलब एग्जैक्ट क्या होता है, इंप्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटीज. बायोफोर्टिफिकेशन मतलब क्या होता है, डे बाय डे हम क्या कर रहे हैं, फील्ड में प्लांट लगा रहे, क्रॉप प्लांट जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट जो प्लांट, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट जो प्लांट्स है वहां पे उस इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट में न्यूट्रिएंट कंटेंट ज्यादा होने चाहिए. न्यूट्रिएंट कंटेंट मतलब, अब फॉर एग्जांपल राइस है जो हमारे डेली डाइट में यूज होता है, वीट राइस मेज बराबर, इस तरह के कुछ प्लांट्स होते हैं जो डेली डाइट में यूज होते हैं, उस प्लांट में हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट वेराइटी हमें फॉर्म करना है. हाई न्यूट्रिएंट वेराइटी मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे, मान लो राइस प्लांट में विटामिन ए है या अदर कोई मिनरल न्यूट्रिएंट्स है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, उस न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी बढ़ाएंगे, मिनरल न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी बढ़ाएंगे वहां. मतलब यहाँ पे ऐसे प्लांट हम डिजाइन करेंगे विद हेल्प ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग से ऐसे प्लांट हम डिजाइन करेंगे जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए. न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए मतलब वहां पे मिनरल्स, विटामिन्स, देन यहां पे हेल्दियर फैट, मतलब जो फैट इंपॉर्टेंट है या हेल्दियर फैट है वो फैट वहां पे विटामिन मिनरल और हेल्दियर फैट की क्वांटिटी न्यूट्रिएंट कंटेंट हम बढ़ाएंगे. टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स विटामिन एंड हेल्दियर फैट इन ए पर्टिकुलर क्रॉप प्लांट, पर्टिकुलर क्रॉप प्लांट की उसकी क्वांटिटी जो है मिनरल न्यूट्रिएंट्स की हम इंप्रूव करेंगे. अब बायोफोर्टिफिकेशन प्रोसेस से ये एग्जैक्ट कैसे होगी, बायोफोर्टिफिकेशन प्रोसेस हाउ टू इंप्रूव न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर प्लांट, न्यूट्रिशनल वैल्यू कैसे हम इंप्रूव करेंगे, ये क्यों कर रहे हैं. डेवलपिंग कंट्री में काफी सारे ऐसे वेराइटीज है जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा है, मतलब वहां पे पीपल प्रेजेंट है. बराबर, अलग अलग पीपल के, अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग पीपल वहां पे प्रेजेंट है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया अगर लेते हैं तो हम बोलते हैं मैक्सिमम पीपल आर टोटली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फील्ड. बराबर, एग्रीकल्चर फील्ड में टोटली डिपेंड होते हैं कौन, मैक्सिमम पीपल इन इंडिया. बट यहाँ पे अगर देखते हैं मैक्सिमम क्वांटिटी होती है बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल. इंडिया में बीपीएल लोगों की क्वांटिटी ज्यादा है. बराबर, तो ज्यादा होने के कारण, इनकी क्वांटिटी ज्यादा होने के कारण ये जो फूड लेते हैं डेली डाइट में, जो फूड लेते हैं बराबर, उस डेली डाइट में जो फूड होता है वहां पे न्यूट्रिएंट कंटेंट जो मिलना चाहिए
वो न्यूट्रिएंट कंटेंट प्रॉपर वे से उन लोगों को नहीं मिलता। इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, ऐसा प्लांट डिजाइन कर रहे हैं, ऐसी वेराइटी हम डिजाइन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और प्लांट। इस तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग से ऐसी वेराइटी हम फॉर्म करेंगे जिसके वजह से इस राइस में न्यूट्रिएंट जो होता है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होता है, फैट होता है, वो हेल्दियर फैट वैल्यूज है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए। ये हम क्या करेंगे, इस तरह का प्लांट हम डिजाइन करेंगे, दैट इज द बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन की अभी डेफिनेशन अगर देखते हैं, ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप विथ हायर लेवल ऑफ विटामिन मिनरल एंड हेल्दियर फैट। ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप विथ हायर लेवल ऑफ विटामिन मिनरल एंड हेल्दियर फैट इज कॉल्ड बायोफोर्टिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, एग्जाम्पल लिया हमने राइस प्लांट, बराबर। इस राइस प्लांट में अलग अलग वेराइटी हमने डिजाइन की, अलग अलग वेराइटी है राइस प्लांट में, काफी सारे वेराइटी, लेकिन एक वेराइटी दैट इज द गोल्डन राइस हमने जेनेटिकली, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग से वो वेराइटी हमने डिजाइन किया, मैनिपुलेशन जीन के लेवल पे हमने मैनिपुलेशन किया है, दैट इज द जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बोलेंगे उसे, बराबर। विद द हेल्प ऑफ दैट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग से ऐसा प्लांट हमने डिजाइन किया है, कौन सा राइस का, उसकी वेराइटी दैट इज द गोल्डन राइस बोलेंगे। अब गोल्डन राइस ये वेराइटी है, बराबर, प्लांट की एक वेराइटी है जिसके अंदर विटामिन कंटेंट ज्यादा है। विटामिन मतलब यहाँ पे अगर देखते विटामिन, अलग अलग विटामिन होते हैं, लेकिन यहाँ पे हाई विटामिन कंटेंट दैट इज द विटामिन ए, यहाँ पे ज्यादा मैक्सिमम क्वांटिटी में विटामिन ए है, क्योंकि विटामिन ए सिक्रेट होने के लिए जो जीन चाहिए, जो जीन रिस्पॉन्सिव होता है विटामिन ए सिक्रेट करने के लिए, मतलब वो जीन एक एंजाइम सिक्रेट करेगा, उस एंजाइम से ये विटामिन ए फॉर्म करेगा, वो विटामिन ए सिक्रेट करने वाला जीन इस राइस प्लांट में इंट्रोड्यूस किया विद द हेल्प ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, बराबर। यहाँ पे जेनेटिकली इंजीनियरिंग से हमने ये प्लांट हमने डिजाइन किया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट अगर देखते हैं, ये इसकी जरूरत क्यों है, हाई विटामिन ए कंटेनिंग राइस प्लांट हमने क्यों डिजाइन किया, गोल्डन राइस ये क्यों डिजाइन किया, क्योंकि हमारे कंट्री में जो पुअर पीपल है वहां पे विटामिन ए जो है उनके डाइट में विटामिन ए की काफी कमियां होती है, बराबर। ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए वहां पे मैक्सिमम डिसीज वहां पे होने के चांसेस है। मैक्सिमम डिसीज मतलब विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से आय से रिलेटेड जो भी डिसीज है वो स्टार्ट होते हैं वहां। इसी वजह से यहाँ पे हमने इस तरह की वेराइटी डिजाइन की। अब ये विटामिन ए कंटेनिंग फूड कौन सा होता है जो पुअर पीपल अफोर्ड नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल मिल्क, बराबर। यहाँ पे मिल्क एक फूड है जो पुअर पीपल अफोर्ड नहीं कर सकते, इसी वजह से हमने क्या किया, यहाँ पे राइस डेली डाइट में होता है तो इस राइस में ही विटामिन ए की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, इस तरह का प्लांट हमने सीड हमने डिजाइन किया। अब मिल्क में होता है, देन सेकंड वन दैट इज द कैरोट। कैरोट में भी क्या होता है, हाई विटामिन कंटेंट, ए विटामिन कंटेंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है ज्यादा, मैक्सिमम कंटेंट। लेकिन ये दोनों फूड और कुछ वेजिटेबल्स भी है जिसके अंदर विटामिन ए ज्यादा होता है, तो ये पुअर पीपल ये अफोर्ड कर सकते हैं क्या, वो ये पुअर पीपल मिल्क कैरोट और जो हाई विटामिन फ्रूट्स है, यहाँ पे कुछ फ्रूट्स होते हैं, उस फ्रूट्स में भी होता है, कुछ वेजिटेबल्स में भी होता है, उस वो वेजिटेबल फ्रूट मिल्क और कैरोट ये पुअर पीपल अफोर्ड नहीं कर सकते, इसी वजह से उसका साइड इफेक्ट उस पुअर पीपल के ऊपर होता है इंडिया में, बराबर। इसी वजह से उनके डाइट में जो डेली डाइट होता है, उनके डाइट में जो प्लांट है यूज होता है, जो फूड यूज होता है, दैट इज द राइस, ये वाइडली यूज होता है, बराबर। ये राइस वाइडली यूज होता है, इसी वजह से इस राइस प्लांट में हमने क्या किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग से ऐसे एक वेराइटी बनाई है दैट इज द गोल्डन राइस। और गोल्डन राइस में सभी कंटेंट है विटामिन ए, देन विटामिन ए यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसी वजह से ये गोल्डन राइस हमने डिजाइन किया। अगर वो गोल्डन राइस वेराइटी खाते हैं तो आय से रिलेटेड, विजन से रिलेटेड जो भी डिजीज है वो डिजीज नहीं होंगे वहां, बराबर। इसी वजह से
बायो फोर्टिफिकेशन मतलब क्या है, ऐसा प्लांट हमने डिजाइन किया, ऐसा क्रॉप प्लांट या ऐसा फूड हमने डिजाइन किया है ओनली फॉर द पर्पज ऑफ क्यू, वो फूड डिजाइन किया है ओनली फॉर द पर्पज ऑफ हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट वहां पे होना चाहिए, हाई न्यूट्रिएंट मिनरल्स एंड विटामिन्स, देन अगेन हेल्दियर फैट वहां पे होना चाहिए, इस तरह का प्लांट हमने क्या किया डिजाइन किया है, सीड डिजाइन किया है, जिसके खाने से पर्टिकुलर ह्यूमन बींग में वो डिफिशियंसी नहीं होगी, दैट इज द बायो फोर्टिफिकेशन और इम्प्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटीज ऑफ फूड और क्रॉप प्लांट, ये इम्प्रूव कर रहे हैं, क्रॉप प्लांट में न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव कर रहे हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज बायो फोर्टिफिकेशन। ये बायो फोर्टिफिकेशन प्रोसेस जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार यहाँ पे क्वेश्चन आया भी है एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। अब यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री में पहले से ही इस तरह की वेरायटी काफी बनाई है, मतलब यहाँ पे टर्म दी है विटामिन ए डिफिशियंसी VAD, ये एक टर्म दी है विटामिन ए डिफिशियंसी, विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से जो डिसीज होते हैं वो डिसीज ना होना चाहिए, इसी वजह से यहाँ पे राइस प्लांट में एक वेरायटी डिजाइन की रखी है गोल्डन राइस, जिसके खाने से विटामिन ए की रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी में फुलफिल होती है और ये डिसीज नहीं होती। कौन से डिसीज, आय से रिलेटेड डिसीज या विजन से रिलेटेड डिसीज हमारे बॉडी में नहीं होंगे ड्यू टू कंटिन्यूस ईटिंग ऑफ गोल्डन राइस वेराइटी, मतलब ये इस तरह की प्रोसेस, दैट प्रोसेस नोन एज बायो फोर्टिफिकेशन। व्हाट इज बायो फोर्टिफिकेशन, बायो फोर्टिफिकेशन इज नथिंग बट द दैट ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप विथ हायर लेवल ऑफ ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप विथ हायर लेवल ऑफ विटामिन मिनरल एंड हेल्दियर फैट इज कॉल्ड बायो फोर्टिफिकेशन, मतलब इसका ये एक डेफिनेशन है। दिस इज ओवर अबाउट द बायो फोर्टिफिकेशन और इम्प्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी। अब ये एक हमने एग्जाम्पल लिया है, ये एग्जाम्पल मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम में आया है, इससे पहले एग्जाम में पूछा। अब सेकेंड एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो सेकेंड एग्जाम्पल कौन सा होता है, इम्प्रूव इन ऑयल कंटेंट। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे बॉडी में जैसे विटामिन ए है, वैसे यहाँ पे ऑयल जो है हमारे डेली लाइफ में जो यूज होता है दैट इज द ऑयल, बराबर कुकिंग ऑयल हम बोलते हैं। अब इम्प्रूव इन ऑयल कंटेंट एंड ऑयल क्वालिटी, ऑयल कंटेंट एंड ऑयल क्वालिटी, ऑयल कंटेंट और ऑयल क्वालिटी हम क्या करते हैं इंप्रूव करते हैं, कैसे विद द हेल्प ऑफ बायो फोर्टिफिकेशन, मतलब उस सीड के अंदर जो सीड हम बना रहे हैं जो ऑयल एक्सट्रैक्टिंग सीड है उस सीड के अंदर हम वो जीन इंसर्ट करेंगे जिसके वजह से उसकी क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए, मतलब हाई क्वालिटी ऑयल वहां से एक्सट्रैक्ट होना चाहिए, क्वांटिटी उसकी बढ़नी चाहिए और क्वालिटी भी इंप्रूव होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इंप्रूव इन ऑयल कंटेंट एंड ऑयल क्वालिटी ऑफ ऑयल क्रॉप लाइक सोयाबीन, हम जो सीड ऑयल, ऑयल कौन सी चीज से खाते हैं, मतलब कौन से सीड का खाते हैं, यहाँ पे ऑयल कौन सा होता है सोयाबीन ऑयल, देन राइस से भी हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइस ब्रांड ऑयल भी होता है, देन उसके बाद पाम ऑयल वो भी हम यूज करते हैं, देन मस्टर्ड ऑयल वो भी हम यूज करते हैं, सनफ्लावर ऑयल वो भी हम यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल नट जो होता है मूंगफली उससे भी हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, बराबर मतलब अलग अलग ऑयल एक्सट्रैक्टिंग सीड्स होती है उसकी क्वालिटी हमें इंप्रूव करनी है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हैव बीन अचीव बाय ट्रांसफर ऑफ अरेबिडोप्सिस जीन्स, मतलब ऑयल एक्सट्रैक्टिंग में एक सबसे एक इम्पॉर्टेंट जीन ट्रांसफर किया है, कौन सा जीन आपकी किताब में मेंशन किया है, देखो अरेबिडोप्सिस जीन, ये जीन जो है यहां पे इंसर्ट किया है। अब इंसर्ट किया है मतलब अरेबिडोप्सिस ये जीन है, ये जीन कहां पे इंसर्ट किया, ट्रांसफर किया है ऑयल सीड में, क्यू सीड में ट्रांसफर किया है, इस जीन की वजह से एक पर्टिकुलर एंजाइम फॉर्म, और वो एंजाइम क्या करेगा, ये ऑयल का कंटेंट, ऑयल की क्वालिटी और क्वांटिटी ये दोनों क्या करेगा इंप्रूव करेगा,
मतलब इसी वजह से इसे बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। और ये ट्रांसफर किया है हमने जीन कहां पे, ऑयल सीड में, सोयाबीन ऑयल, देन सनफ्लावर ऑयल सीड जो है वहां पे हमने ये ट्रांसफर किया। क्यों? ओनली फॉर द पर्पज ऑफ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एंड क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी। क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए, क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, इसी वजह से हमने ये सीड, इस सीड के अंदर ये जीन हमने इंसर्ट किया, जिस जीन की वजह से पर्टिकुलर एंजाइम फॉर्म होगा और एंजाइम उसकी ऑयल कंटेंट की क्वालिटी जो है वो इंप्रूव करेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट, हम जो डेली डाइट में फूड लेते हैं उस डेली डाइट के फूड में मैक्सिमम क्वांटिटी में आयरन होता है क्या? मैक्सिमम फूड में आयरन की डिफिशियंसी होती है, मैक्सिमम फूड में, बराबर। तो हमारे बॉडी में अगर आयरन की डिफिशियंसी अगर होती है तो काफी सारे डिसीज रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के डिसीज हमारे बॉडी में होंगे। तो वहां पे आयरन, ये जो आयरन है, आयरन की क्वालिटी और क्वांटिटी इंप्रूव करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऐसा प्लांट डिजाइन किया, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट यहाँ पे हमने डिजाइन किया, दैट इज आयरन। आयरन की डिफिशियंसी की वजह से जो डिसीज होते हैं ह्यूमन बॉडी में वो डिसीज नहीं होने चाहिए, इसी वजह से बायो फोर्टिफिकेशन प्रोसेस से या इम्प्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी की वजह से, जेनेटिकली इंजीनियरिंग की वजह से हमने ये आयरन की क्वालिटी इम्प्रूव की। अब आयरन की क्वालिटी मतलब आयरन की डिफिशियंसी की वजह से यहाँ पे काफी प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब डिफिशियंसी की वजह से काफी डिसीज होते हैं, बराबर है? बार बार बुखार आना, क्योंकि Mg मैग्नीशियम ये आयन रिक्वायर होता है फॉर द डिफरेंट रिएक्शन, अलग अलग रिएक्शन के लिए ये मैग्नीशियम आयन, ये आयरन फेरस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो अगर नहीं होगा तो वहां पे एडवर्स इफेक्ट किसके ऊपर होगा, ह्यूमन बॉडी के ऊपर होगा। तो ये इंप्रूव करने के लिए हमने एक प्रोसेस किया यहाँ पे, सीरियस न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम दैट इज अफेक्ट एज एस्टिमेटेड 30% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, मतलब इमेजिन करो 30% वर्ल्ड पॉपुलेशन में आयरन की डिफिशियंसी की वजह से काफी सारे डिसीज होते हैं। किसकी वजह से? आयरन के डिफिशियंसी की वजह से काफी सारे डिसीज होते हैं। क्यों? इसी वजह से हमने क्या किया यहाँ पे, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इंप्रूव की। अब न्यूट्रिशनल वैल्यू इंप्रूव किए मतलब वहां पे एग्जैक्ट क्या किया, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप दैट विल प्रोड्यूस फूड रिच इन आयरन, आयरन स्टोरेज प्रोटीन दैट इज द पेरिटीन। अब पेरिटीन ये प्रोटीन है यहाँ, कौन सा? पेरिटीन दैट इज द आयरन प्रोटीन। ये कौन सा प्रोटीन है? आयरन प्रोटीन इज टारगेटेड, पेरिटीन इज फॉर्म इन मेनी एनिमल प्लांट एंड बैक्टीरिया। ये कहां पे मिलता है? ये पेरिटीन जो प्रोटीन होता है ये कहां पे मिलता है? एनिमल में भी मिलता है, प्लांट में भी मिलता है और बैक्टीरिया के अंदर भी वहां पे मिलता है। तो ये जो पेरिटीन फॉर्मेशन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उस प्लांट से, एनिमल से या बैक्टीरिया से हमने क्या किया यहाँ पे आइसोलेट किया। कहां से? प्लांट से, एनिमल से और बैक्टीरिया से ये हमने आइसोलेट किया। कौन सा जीन? पेरिटीन फॉर्मेशन। ये पेरिटीन क्या है? ये प्रोटीन है, दैट इज द प्रोटीन। ये प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो जीन इस प्लांट से, एनिमल से, बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट क्रॉप प्लांट है वहां पे हम क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोयाबीन, देन फैसिओलस हैज बीन ट्रांसफर्ड टू राइस। अब यहाँ पे फैसिओलस ये क्या? आइसोलेटेड फ्रॉम सोयाबीन एंड फैसिलेटेड एंड ट्रांसफर टू राइस, मतलब फैसिओलस अलग अलग प्लांट से, एनिमल से, बैक्टीरिया से फेरिटिन फॉर्मेशन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो आइसोलेट करेंगे और इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट पे इंसर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल राइस प्लांट जो डेली डाइट में यूज होता है, बराबर, वहां पे इंसर्ट करेंगे, बराबर। और अलग अलग प्लांट में हम जो रिक्वायरमेंट है, जिसका जेनेटिक स्ट्रक्चर सिमिलर होगा उस प्लांट पे ये जीन इंसर्ट करेंगे और उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी मतलब आयरन कंटेनिंग क्वालिटी इंप्रूव करेंगे। देन उसके बाद जेनेटिकली इंजीनियरिंग
आर ऑल्सो यूज फॉर द हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट आर डेवलप एज इन मेज बीट एंड मेनी अदर मोनोपॉट प्लांट। अब देखते हैं यहाँ पे हर्बिसाइड, हर्बिसाइड मतलब क्या, वॉट इज हर्बिसाइड, क्या ये हर्बिसाइड, हर्बिसाइड इज नथिंग बट द, ये जो हर्बिसाइड है इस हर्बिसाइड को क्या बोल रहे हैं, खेत में या फील्ड में जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जांपल राइस की खेती है, राइस की फील्ड है, उस राइस फील्ड में साइड में अगर देखते तो बाकी काफी सारे प्लांट्स ग्रो होते हैं, फॉर एग्जांपल पार्थेनियम, ये मैक्सिमम कंडीशन, वीट सोयाबीन की खेती है उसके साइड में क्या होता है पार्थेनियम प्लांट, गाजर गवर, बराबर है, वो जो है दैट इज द हर्बिसाइड, मतलब हर्ब इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट जो प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सोयाबीन की अगर खेती कर रहे हैं हम, उस सोयाबीन की खेती के अंदर अगर कुछ अलग अलग प्लांट अगर ग्रो होते जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसके कारण क्या होगा हार्मफुल इफेक्ट होगा किसे, जो सोयाबीन प्लांट है उसके ऊपर, उसे फूड नहीं मिलेगा, वाटर नहीं मिलेगा, मिनरल नहीं मिलेगा, तो हम क्या करते हैं उसे टॉलरेंट करने के लिए, मतलब हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं उस प्लांट को, अनवांटेड प्लांट को डिस्ट्रॉय करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, बराबर, वो केमिकल फर्टिलाइजर यूज ना करते हुए ऐसी वेराइटी बनाएंगे राइस प्लांट की, सोयाबीन प्लांट की, कॉटन प्लांट की, जिसमें अगर साइड में कोई प्लांट अगर ग्रो होता है तो अपने आप मरना चाहिए, दैट इज द हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट, मतलब उस साइड के प्लांट का, जो साइड में प्लांट होता है पार्थेनियम कांग्रेस ग्रास, उसका साइड इफेक्ट फील्ड में जो हमने प्लांट लगाया है उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हर्बिसाइड टॉलरेंट वेराइटी हम बना रहे हैं विद हेल्प ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस से। कौन सी वेराइटी, मेज वीट और मेनी अदर मोनोपॉट प्लांट में ये वेराइटी हमने डिजाइन की। देन उसके बाद जेनेटिकली इंजीनियरिंग और इंजीनियर डिसीज रेजिस्टेंट प्लांट ने अभी बताया था लास्ट टाइम, मतलब डिसीज रेजिस्टेंट वेराइटी हमें बनानी है, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया था एक डिसीज रेजिस्टेंट वेराइटी। अब डिसीज रेजिस्टेंट वेराइटी हमें बनानी है, बराबर, इस फील्ड में डिसीज रेजिस्टेंट वेराइटी मतलब कौन से प्लांट में डिसीज रेजिस्टेंट वेराइटी हम बनाएंगे जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, बराबर, फॉर एग्जांपल टोमेटो, वेजिटेबल्स, पोटैटो, बराबर, जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है वो हम क्या करेंगे उसमें डिसीज